अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आप सबकी नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम यहाँ पे आज दो रेसिपीज़ तैयार करेंगे। एक तो हम बना रहे हैं स्पेशल इमली की चटनी, जिसके लिए हमने आधा पाव इमली ले ली है और उसे हमने पानी में भिगो लिया है, और जो है एक पीस हमने गुड़ का ले लिया है और वो आपके सामने ये तकरीबन 2 से 3 इंच जो है गुड़ का पीस है। और उस बाकी स्पाइसेस जो चटनी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये बेसिकली ज़ीरा इमली चटनी है। उसके लिए 1 टीस्पून हम ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे, 1 पिंच हम इसमें गरम मसाला, 1 पिंच हम इसमें गरम मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, और 1/2 टीस्पून हम इसमें दड़ा मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, और 1 पिंच ही हमारे पास सूंड है। ये तो है हमारे चटनी के इंग्रेडिएंट्स। वो सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे और उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि चटनी के साथ गरम गरम पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। और पकौड़े प्याज वाले बनाएंगे, जिसके लिए हमने प्याज सिर्फ 4 अदद प्याज लिए हैं और 4 से 5 हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। बेसन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बेसन आप तैयार करके रखा करें और बनाने में बहुत आसान होगा, इसीलिए मैंने वो बेसन जो तैयार करके रखा था वही इस्तेमाल करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। पैन ले लिया है, उसके नीचे हम चूल्हा जला लेंगे। और गूदा बना के रखा था, इमली को पहले वॉश किया है और पानी में उसे भिगो रखा है ताकि इमली का जो है वो पल्प तैयार हो जाए। अगर आपको इसकी गुठलियाँ पसंद ना हो तो आप इसको स्टेन कर सकती हैं, लेकिन मुझे गुठलियाँ बेसिकली पसंद हैं तो इसलिए मैंने इसको नहीं स्टेन किया। अब वही गुड़ हम साथ में शामिल कर देंगे, जब तक ये तैयार होगी तब तक हमारी जो इमली का पानी है ये बॉयल होता है और गुड़ हमारा मेल्ट होता है, तब तक हम प्याज भी साथ साथ छील लेंगे। आपने प्याज को ना ज़्यादा बारीक काटना है और ना ज़्यादा मोटा काटना है, बस अच्छे तरीके के साथ गोलाई में, कोशिश करें कि गोलाई में और बारीक बारीक काटें, मतलब दरमियाने साइज़ का। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं होती, वरना प्याज का जो अपना टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जी प्याज हमने छील लिए हैं, अब हम इन्हें काटेंगे। गुड़ है वो तकरीबन तमाम जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो चटनी मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, बस ये बिल्कुल पतली पतली सी ही तैयार होती है और ये सिर्फ पकौड़ों के लिए है। चाहे प्याज के पकौड़ों के साथ आप इस्तेमाल कर लें, तो चाहे आप किसी भी पकौड़ों के साथ, ये स्पेशल चटनी जो है वो पकौड़ों की चटनी है। तो अब हम इसमें सारे स्पाइसेस जो हमने रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक आपने हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, नमक आप जो है वो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगी। इसे हम सिर्फ 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे, जैसे ही मुनासिब इसके अंदर थिकनेस आएगी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। थोड़ी सी हमने दड़ा मिर्च और शामिल की है, बस अब हम इसकी आंच जो है वो हल्की कर लेंगे और चटनी हमारी तैयार है। बिल्कुल सेंटर से काट लें या वैसे, लेकिन आपने प्याज़ों का ये वाला साइज़ रखना है, ये देखें ये वाली साइड रख लें या ये वाली रख लें, लेकिन ये चौड़ाई और इनकी लंबाई इतनी होनी चाहिए। अब हमने इसको अच्छे तरीके के साथ ऐसे मलना है ताकि ये तमाम जो हैं एक दूसरे के साथ से अलग हो जाएं। चलें, वो जिस किसी को नहीं पता तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको इस चीज़ का पता चल जाए। अब हम यही प्याज जो हैं वो बीच में डाल देंगे और थोड़ा सा खुश्क पुदीना
पुदीना है ये भी मसल के बीच में डाल देंगे और हरी मिर्च भी काट लेंगे। क्या ज़बरदस्त पुदीने की खुशबू आ रही है। इसी तरह ही आप पुदीने का सीज़न है तो या तो आप अपने घर में एक छोटा सा गमला रख लें या फिर ऐसा है कि पुदीने की जो खुश करके अपने पास महफूज कर लें। झटपट से तैयार होने वाले ये पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बेसन में ऑलरेडी हमारे पास खुश्क धनिया मौजूद हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इसमें थोड़ी सी साबुत धनिया है जिसे हाथ के साथ मसल के बीच में शामिल करेंगे। खुश्क धनिया हमने शामिल कर दी है, अब हम इन्हें अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। पकौड़े आप हमेशा रफली अंदाज में डाला करें। इसी तरह ही हम अपने सारे पकौड़े बनाकर डिश आउट करेंगे और आपको उसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज का जो प्लेटर है, पकौड़ों का प्लेटर तैयार हो चुका है और साथ हमने चटनी भी तैयार कर ली है और उन्हें एक जार में डाल लिया है। आप इसे पूरे रमज़ान इस्तेमाल कर सकती हैं और ये स्पेशल पकौड़ों की चटनी है इमली और ज़ीरे की, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस चटनी को और इन पकौड़ों को, तो फिर आप मुझे दुआएं देंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।